माइंस एक्ट 1952, 15 मार्च 1952, एक्ट सेक्शन 14 और 15, एक्ट सेक्शन 14, पावर एटसी ऑफ द कमिटी, एक्ट सेक्शन 14, समितियों की शक्तियां आदि। एक सेक्शन 12 के अधीन गठित कमेटी इस अधिनियम एक्ट के अधीन इंस्पेक्टर की ऐसी पावर्स का प्रयोग कर सकेगी जिन्हें वह इस एक्ट के अंडर अपने कार्यों के डिस्चार्ज के पर्पसेस के लिए प्रयोग करना आवश्यक या एक्सपीडियंट समझे। दो एक्ट सेक्शन 12 के अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड गठित कमेटी को अपने कार्यों के डिस्चार्ज के पर्पसेस के लिए वही शक्तियां होंगी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर किसी न्यायालय में निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात डिस्कवरी और इंस्पेक्शंस करना, बी किसी व्यक्ति को प्रेजेंट कराना और उसकी शपथ की जांच कराना, सी डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने के लिए कंपेलिंग बाध्य करना, डी ऐसे अन्य मैटर्स जिन्हें प्रेस्क्राइब्ड किए जा सकते हैं। एक्ट सेक्शन 15, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। एक्ट सेक्शन 15, व्यय की वसूली। केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है कि सेक्शन 12 के तहत गठित समिति द्वारा की गई किसी जांच का व्यय संबंधित माइंस के ओनर या एजेंट द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वहन किया जाएगा और इस प्रकार भुगतान करने के लिए निर्देशित राशि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर द्वारा या उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करने पर जहां माइंस स्थित है या जहां ऐसा होना या एजेंट वर्तमान में निवासी है वो उस सीमा के भीतर किसी भी चल संपत्ति को जब्त करके और बेचकर वसूल कर सकता है। बशर्ते कि ओनर या उसके एजेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट या मुख्य खान निरीक्षक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से नोटिस प्राप्त करने की डेट से 6 वीक्स के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया हो तब ऐसा वसूली कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।